हम आपको पशुओं में बधियाकरण या पशुओं को नपुंसक बनाने के बारे में बताएंगे, जिनको हम कैस्ट्रेशन ऑफ एनिमल भी कहते हैं। कैस्ट्रेशन का मतलब होता है पशुओं को बधिया कर देना, पशुओं को प्रजनन से अयोग्य करना। तो परिभाषा की अगर हम बात करें तो जो नर पशु हैं, जो पुरुष वर्ग के पशु हैं, उनको हम जनन शक्ति से विहीन कर देना, अर्थात उनको बच्चा पैदा करने के लिए अयोग्य बना देना, मतलब वो बच्चा ना पैदा कर सकें, जनन ना कर सकें, अपनी संतति ना बढ़ा सकें, इसके लिए अयोग्य कर देना ही हमको क्या कहलाता है, बधियाकरण कहलाता है। बधियाकरण कुछ विशेष उद्देश्य से किया जाता है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह जो है एक ही दशा में कई दिशा में होता है, तो उससे क्या होता है, प्रत्याशित लाभ नहीं प्राप्त होता है। तो ऐसे पशु जिनको हम सांड बनाना चाहते हैं, उनके लिए हम बधियाकरण नहीं करते हैं। बाकी ऐसे पशु जिनसे हमें कुछ अन्य कार्य लेना है, उनको हम बधिया कर देते हैं, ताकि हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो सके और अत्यधिक हमको लाभ हो सके। तो उद्देश्य में देखें तो पशु को प्रजनन शक्ति को अन्य आवश्यक कार्यों में बदल देना, जो पशु की जो जनन शक्ति है उसका जो प्रवाह दूसरी दिशा में कर देते हैं, चाहे वो मांस उत्पादन की दिशा में अगर करना चाहें तो उसमें अच्छा मांस होगा, और अगर हम खेत जोतना चाहें जैसे बैल से, तो वो ऊर्जा उसकी जो है खेत की जुताई में परिवर्तित हो जाती है, जिससे हमारा कार्य सिद्ध होता है। दूसरा, नस्ल सुधारने के लिए तमाम प्रकार के भारत के उत्तर प्रदेश में जो भी पशु पाए जाते हैं, ज़्यादातर आवारा पशु हैं, जो घटिया क्वालिटी के हैं, उत्तम गुणवत्ता के नहीं हैं। ये क्या करते हैं कि गायों को गर्भित करते रहते हैं और एक घटिया क्वालिटी के पशु पैदा होते रहते हैं। तो इस उससे बचने के लिए भी हम पशुओं का बधियाकरण करते हैं, ताकि ये अनावश्यक रूप से अपनी घटिया क्वालिटी की संतान को ना उत्पन्न कर सकें, और अच्छे नस्ल के सांडों से हम अपने गायों को गर्भित करवा पाएँ, जिसके लिए हम नस्ल सुधार के लिए भी इनको प्रयोग करते हैं। पशुओं को प्रजनन शक्ति को अच्छे मांस उत्पादन में बदलने हेतु, जैसा कि हमने बताया कि अगर पशु का बधियाकरण नहीं किया गया तो उसके जो मांस की जो गुणवत्ता है वो प्रभावित होती है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह पशु के शरीर में कई दिशाओं में होता है, जिसको हम बधियाकरण के द्वारा मोड़ कर सीधे मांस उत्पादन के उद्देश्य से कर देंगे, तो उसमें अच्छा मांस हमको प्राप्त होगा। अगला है जनन संबंधी रोगों के नियंत्रण के लिए। पशुओं में तमाम प्रकार के प्रजनन से संबंधित बीमारियां पाई जाती हैं, जिनको समाप्त करने के लिए हम उनका बधियाकरण कर देते हैं, जिससे उनको जनन से संबंधित बीमारियों से निजात मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है, वो स्वस्थ जीवन जी पाते हैं। बधियाकरण का जो सर्वोत्तम समय है वो उसके उद्देश्य के ऊपर निर्भर करता है, कि हमारा जो उद्देश्य है बधियाकरण करने का वो क्या है। क्या हम खेत की जुताई करना चाहते हैं, या मांस उत्पादन या अंडा उत्पादन के लिए हम पशुओं को बधिया कर रहे हैं, तो इस पर निर्भर करता है। अगर दो उदाहरण दिया गया नीचे, बछड़ों को अगर हमको बैल बनाना है, तो उसके लिए 1 से 1.5 वर्ष की आयु का जो बछड़ा होगा उसको हम बधिया कर सकते हैं। इससे कम उम्र के बछड़ों को कभी बधिया नहीं करना चाहिए, क्योंकि बधियाकरण में एक भयंकर दर्द होता है जिसको पशु झेल नहीं पाता, अतः उसकी मृत्यु होती है या संक्रमण से वो प्रभावित हो जाता है। दूसरा है मांस उत्पादन के लिए। अगर भेड़ बकरियों में हम बधियाकरण करना चाहते हैं, तो हम 1 माह की आयु के बच्चों का चयन करेंगे और उनका जो है चीरा लगा के हम बधियाकरण कर देंगे। इसमें नोटेशन दिया हुआ है कि पशुओं को बधियाकरण करने के लिए सबसे उत्तम समय जो है क्या है, वो ठंडी का समय है, शीतकाल का समय है, क्योंकि शीतकाल में बैक्टीरिया और वायरस जो हमारे बीमारी के कारक होते हैं वो निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा नहीं रहता। इसलिए पशुओं को बधिया करने के लिए ठंडी के मौसम में ही करना कि चाहिए। बधियाकरण की विधियां कौन कौन सी हैं, तो बधियाकरण की सबसे प्राचीन विधि आपको बाएं हाथ पे दिखेगी, ग्रामीण विधि। इसमें क्या करते थे, पशुओं को गिरा करके बलपूर्वक और डंडे से या लकड़ी से पीट पीट कर इनके अंडकोश को फोड़ देते थे। वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक विधियों में रक्तविहीन विधि में 2 प्रकार होते हैं, एक होता है वर्डिजो कैस्ट्रेटर द्वारा, दूसरा इलस्ट्रेटर द्वारा। अगली विधि है चीरा लगाकर, फिर है रासायनिक पदार्थों द्वारा। वर्डिजो कैस्ट्रेटर की अगर हम बात करें तो इस विधि में
पशुओं को पूर्णतया गिरा करके नियंत्रण में कर लिया जाता है, जिसके उपरांत वर्डिजो कास्ट्रेटर नामक एक यंत्र होता है, मशीन होता है, उससे हम पशुओं के अंडकोश से जुड़ी हुई शुक्रवाहिनी और दो और स्पर्मेटिक कॉर्ड, इन दो नसों को याद रखना, ये दो वाहिनियाँ पाई जाती हैं जो दो दो की संख्या में होती हैं, कुल मिला के चार होती हैं, मतलब दो शुक्रवाहिनी और दो स्पर्मेटिक कॉर्ड जो कि दोनों वृषण से जुड़े हुए होते हैं, उनको इतना तेज से दबाया जाता है ताकि अंडकोश या वृषण से उनका संपर्क टूट जाए, जिससे क्या होता है कि वृषण में खून रक्त और पान ऑक्सीजन का जो प्रवाह है वो रुक जाता है और पशुओं के वृषण नष्ट हो जाते हैं और पशु पूर्णतया बदिया हो जाता है, इसे हो जाता है। अगला विधि है इलस्ट्रेटर द्वारा। इलस्ट्रेटर एक रबर का गोल छल्ला होता है जिसके द्वारा हम एक मशीन चिमटी के द्वारा उसको फैला करके पशुओं के अंडकोश पर इस प्रकार से लगा दिया जाता है, जिससे कि रक्त का प्रवाह वृषण में बंद हो जाता है तथा वृषण सूखकर नष्ट हो जाता है, फलस्वरूप पशु बधिया हो जाते हैं। अगला एक चीरा लगाकर पशुओं को बधिया करना। बधियाकरण की यह एक नवीन विधि है। पशुओं के अंडकोश में चीरा लगा करके उनको उनके वृषण को काट करके जो मुख्य जननांग होता है वृषण होता है उनको काट करके अलग कर दिया जाता है, जिससे पशु क्या होता है जनन अयोग्य हो जाते हैं, उनमें प्रजनन करने की क्षमता नहीं रह जाती है। इस विधि में अत्यधिक तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, ये सभी लोग नहीं कर सकते, इसके लिए प्रशिक्षित डॉक्टर की आवश्यकता होती है तथा संक्रमण का खतरा बना रहता है। अगली विधि रासायनिक पदार्थों के द्वारा वर्गीय बधियाकरण कर देना। इसमें कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो वीर्य या शुक्राणु के निर्माण को बंद कर देते हैं और वृषण निष्क्रिय हो जाता है। इसमें इसके लिए हमको स्टीवेस्ट्रॉल नामक एक गोली या इसका इंजेक्शन हम पशुओं को लगाते हैं, जिससे पशुओं में शुक्र निर्माण बंद हो जाता है और वो पूर्ण रूप से जनन अयोग्य हो जाते हैं, बधिया हो जाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे बधियाकरण करते समय क्या क्या सावधानियां हमको बरतनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है, बधिया नर को हम स्वस्थ होने तक उसके जख्म पर हमको औषधि लगाते रहनी चाहिए, जिससे संसर्ग संक्रमण का खतरा कम हो जाए। अगला है, पशुओं को स्वस्थ होने की दशा में ही बधियाकरण करना चाहिए, कभी भी बीमार पशु का हमको बधियाकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए एक अच्छी प्रतिरोधक क्षमता शरीर में होनी आवश्यक है। अगला है, पशुओं को सर्दियों में ही बधियाकरण करें, जैसा कि नोटेशन में भी बताया गया था कि पशुओं को सर्दी में ही बधियाकरण करना चाहिए। बधियाकरण करने से पूर्व पशुओं को पूर्ण नियंत्रण में लेना आवश्यक है, अन्यथा ये हमको